हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स. वेलकम टू एग्ज़ाम अड्डा 75. आज हम 31 अक्टूबर 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस राज्य के केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की है. ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, उत्तराखंड या फिर पंजाब. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गुजरात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कोरोना काल के बाद पहले गुजरात के दौरे पर केवड़िया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क की शुरुआत की है. साथ ही वे केशुभाई को श्रद्धांजलि देने के बाद मोदी नरेश कनौडिया महेश कनौडिया को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस ऐप की शुरुआत की है. ऑप्शंस है ऑरेंज दिल्ली ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप, ब्लू दिल्ली ऐप या फिर येलो दिल्ली ऐप. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एस ग्रीन दिल्ली ऐप. दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप की शुरुआत की है. इस ग्रीन दिल्ली ऐप का इस्तेमाल करके लोग कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, धूल की शिकायतों से सरकार को अवगत करा सकेंगे. साथ ही इस ऐप पर प्रदूषण संबंधी कोई भी शिकायत और वीडियो किया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने जूट की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कल्याणकारी योजना की शुरुआत की है. ऑप्शन से नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्र सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज सी, दैट इज केंद्र सरकार. केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के प्रोत्साहन के लिए और जूट की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है. जबकि पिछले महीने आत्मनिर्भर भारत के तहत केंद्र और कैबिनेट ने कई घोषणाएं कर चुकी हैं. साथ ही अब से खाद्यान्न की पैकिंग के लिए जूट के बैग व बोरे का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियन क्रिश्चियन कॉलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है. ऑप्शन से 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष. सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 2 वर्ष. 24 वर्षीय अमेरिकी धावक विश्व चैंपियन क्रिश्चियन कॉलमैन पर डोपिंग नियंत्रण से जुड़े 3 नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है. कॉलमैन पर मई 2022 तक प्रतिबंध लगाया गया है और इस कारण वह अगले साल टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIAL लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020 and 2021 की पहली 2 तिमाही में निर्यात में रिकॉर्ड कर कितने प्रतिशत वृद्धि हासिल की है. ऑप्शन से 20%, 35%, 55% या फिर 65%. शो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 65%. HIL इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2021 की पहली 2 तिमाही में निर्यात में रिकॉर्ड 65% वृद्धि हासिल की है. HIL लिमिटेड ने यह उपलब्धि डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन DDT और एक्रोकेमिकल्स के निर्यात से हासिल की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक और किसके बीच हुए वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजनाओं के चरण 2 और चरण 3 को मंजूरी दे दी है. ऑप्शन से नाबार्ड, यूनेस्को, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
या फिर नीति आयोग? सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बीच हुए वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजनाओं के चरण दो और चरण तीन को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देश में कुछ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया या फिर इजराइल। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कंबोडिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में स्वास्थ्य और दवा के क्षेत्र में भारत और कंबोडिया के बीच हुए ज्ञापन को मंजूरी दी है। इस समझौते से स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहलों और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत के तहत किसने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग SAI का शुभारंभ किया है? ऑप्शन से नीति आयोग, भारतीय सेना, केंद्र सरकार या फिर रेल मंत्रालय। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज भारतीय सेना। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना ने इंटरनेट के लिए सुरक्षित अनुप्रयोग SAI का शुभारंभ किया है। यह सुरक्षित अनुप्रयोग SAI इंटरनेट के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित आवाज, अक्षर और वीडियो कॉलिंग सेवाओं के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली साइन टून आधारित पुस्तक बॉय बाय कोरोना का किस राज्य की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने लोकार्पण किया है? ऑप्शन से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर दिल्ली। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश। विश्व की पहली साइन टून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना का उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ स्थित राजभवन में लोकार्पण किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा गेंदबाज ओवरऑल T20 में 200 विकेट लेने वाला पहला भारतीय गेंदबाज बन गया है? ऑप्शन हैं भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी या फिर आरपी सिंह। सो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज जसप्रीत बुमराह। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ओवरऑल T20 में 200+ विकेट लेने वाले पहले भारतीय पेशर बन गए हैं। उन्होंने IPL में बेंगलुरु के खिलाफ 3 विकेट लेकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। साथ ही बुमराह IPL में 100+ क्रिकेट लेने वाले 16वें गेंदबाज भी हैं। सम इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस विच यू हैव टू नो। AFA 14 में गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत पुरस्कार दिया गया है। 28 अक्टूबर 2020 को एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी AFAA द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार AFA 14 की घोषणा की गई। गली बॉय को इस समारोह में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए पुरस्कार मिला। संगीतकार कर्ष काले और सालवेज ऑडियो कलेक्टिव को सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत पुरस्कार मिला। यह अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी। MI मीन्स मुंबई इंडियंस IPL 2020 के लिए 20 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। हाल ही में दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स को हराने के बाद मुंबई इंडियंस IPL 2020 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। 4 बार के चैंपियन ने अब तक खेले 12 मैचों में से 8 मैचों में जीत दर्ज की है। सूची में MI के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, जिन्होंने 12 मैचों में 7 जीतें हासिल की हैं। नेक्स्ट हेडलाइंस है, डॉक्टर सतीश मिश्रा ने डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी की व्याख्यान और पुरस्कार समिति ने डॉक्टर सतीश मिश्रा को 2020 के लिए डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार के लिए चुना है। नेक्स्ट,
मुक्केबाज सरिता देवी के जीवन पर बनी फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है। बॉक्सर लेश राम सरिता देवी के जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र आय राइज ने पश्चिम बंगाल में आयोजित टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता है। 52 मिनट की डॉक्यूमेंट्री राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता बोरुन थोचोम द्वारा निर्देशित है। इससे पहले 13वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार 2020 में खेल और सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित भी किया जा चुका है। सो आई होप फ्रेंड्स लाया गया कंटेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल रहा होगा। वीडियो पसंद आता है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। एंड फ्रेंड डोंट मिस टू सब्सक्राइब अवर चैनल, सो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।